जय हिंद दोस्तों, आ चुका हूँ नई वीडियो के साथ में और एक नई ऊर्जा के साथ में। आज आप मेरे साथ जो खड़े आप विद्वान देख रहे हैं, ये एक रिटायर्ड आर्मी पर्सन है और इनसे आज मैं हमेशा आपको एक्सरसाइज के बारे में बता देता हूँ और आपको पता है कि मैं ACL, वेरिकोसील और आर्मी के बारे में टिप्स देता हूँ, लेकिन आज मैं पहली बार आपको योगा के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ये आपको सर बताएंगे कि आपको किस टॉपिक पे और किस आज एक्सरसाइज और योगा के साथ में आपको उसकी शिक्षा भी देंगे। तो सर बताइए आपका परिचय। जैसा कि उन्होंने बताया कि मैं रिटायर्ड आर्मी पर्सन हूँ, मेरा नाम मूलचंद फौजी है। तो जैसा इन्होंने मेरे को बताया कि मैं फिटनेस से संबंधित अपने चैनल पर अपने व्यूवर्स को टिप्स देता रहता हूँ, तो उसी सिलसिले में आज आपको मैं फिटनेस के शारीरिक फिटनेस के साथ आपकी मानसिक फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है, तो मानसिक फिटनेस से संबंधित आपको जो एक प्राणायाम है उनके बारे में आपको कुछ जानकारी दूंगा। तो जो 7 प्राणायाम हैं उनका सिलसिलेवार आपको विवरण हम आपको देंगे इनके साथ में। तो ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हुए अभी हम चलते हैं सीधा ग्राउंड पे और वहीं पे आपको मैं इन प्राणायाम के बारे में जानकारी दूंगा। आपके हाथों की पोजीशन होनी चाहिए, कमर आपकी सीधी होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण इसमें कमर का रोल है, तो आपकी कमर झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और सामने नज़र कोई भी एक पोजीशन आप हाथों की बना सकते हो। और उसके बाद सबसे पहले जो 7 प्राणायाम है तो उसमें से सबसे पहले आपको भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें सांसों को भरना है और छोड़ना है, धीरे धीरे अभ्यास करना है। इस प्रकार से फेफड़ों में सांस भरना है और छोड़ना है। भस्त्रिका प्राणायाम। दूसरा प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। इसमें आपको नाक से सांस छोड़ना है, उसी समय आपका पेट का झटका अंदर की तरफ लगेगा धीरे धीरे, जैसे आपको इस प्रकार से। ऐसे आपको करना है धीरे धीरे, बिल्कुल आराम आराम से, 1 सेकंड में एक कर सकते हो आप इसके हिसाब से। किसी को कोई विशेष समस्या प्रॉब्लम है तो नहीं करना है, बाकी नॉर्मल स्वास्थ्य आपका सही है तो आप कर सकते हो, या कोई बीमारी है तो डॉक्टर के प्रिकॉशन के अनुसार इसको कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्राणायाम है तीसरा बाह्य प्राणायाम। इसमें सांस भरना है पहले आपको, धीरे धीरे सांस को फिर छोड़ना है। उसके बाद इसमें 3 बंद लगेंगे, सबसे नीचे लगेगा मूल बंद, उसके बाद पेट का ओडियान बंद और गले का जालंधर बंद। तो मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। तो इसमें कुछ देर आपको तीनों बंद लगाते हुए अपने आप को रोक के रखना है। जब आपका सांस लेने का मन करे तो धीरे धीरे तीनों बंदों को खोलते हुए वापस सामान्य पोजीशन में आना है। तो ये तीसरा प्राणायाम। चौथा प्राणायाम है, अभी बताता हूँ आपको इसके बारे में। इसके बाद एक गले के लिए है, जिसको गले से संबंधित रोग है उसके लिए बहुत ही बढ़िया ये प्राणायाम है। इसमें सांस भरना है पहले, फिर छोड़ना है, और जब सांस वापस आप लोगे उस समय इसमें गाय जैसे रमाती है उस तरह से आवाज़ आती है। तो चौथा प्राणायाम है आपका उज्जायी प्राणायाम, इसको कहते हैं।
तो इसमें सांस भरना, खाली करना, जब सांस वापस लेते हो तो ये आवाज़ आएगी, और उसके बाद गले को लॉक करना है, और जितनी देर रोक सकते हो उतनी देर आपको रोक के रखना है। जब सांस लेने का मन करे तो धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए दाहिना नाक बंद करना है, बाएं नाक से धीरे धीरे सांस आपको छोड़नी है।